अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ ग्रेड 3 इंग्लिश कोर्स एंड आई एम योर टीचर मिस महवेश। दिस इज़ योर बुक ऑफ इंग्लिश LIT न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ओके, एज यू नो ऑल दैट अगस्त इज़ वन ऑफ द स्पेशल मंथ ऑफ द ईयर फॉर अस। व्हाई? बिकॉज द 14 अगस्त, द डेट 14 अगस्त इज एग्जिस्ट इन दिस मंथ नाउ। Why 14 August is important? Because Pakistan got freedom on this day. That is why it is one of the special month. It is one of the special date for all of us. And August is going on, as we all know. And 14 August is coming on this Saturday. So we choose the chapter Independence Day, Unit number 9, according to the upcoming event. Okay, it's on page number 44. First, you have to write the date 10th August 2021. Okay, unit number 9, the Independence Day. Today, we read this chapter. Pakistan, our homeland. Homeland, what is a homeland? Homeland is a country where we live. Okay, in the house in which we live is our home now. So, the country in which we live is known as a homeland. Pakistan, our homeland, is one of the most beautiful countries on the earth. She owns river. She, we use she for the country, ना ठीक है, किसी भी country के लिए हम she use करते हैं। She हम यहाँ पे हम gender के लिए use नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को हम she से represent करेंगे, pronoun she हम पाकिस्तान के लिए use कर रहे हैं। She owns river, mountains, deserts, plains and sea, ठीक है। पाकिस्तान में दरिया हैं, सहरा हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं। The northern areas of Pakistan are so beautiful that thousands of foreigners and inland tourists visit them around the year. Northern areas Mari, Sawat, Kahan, Kalam वगैरह को कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। There was a time when our beloved country was not independent. एक वक्त था जब हमारा मुल्क जो है आज़ाद नहीं था। The British ruled her. British मतलब अंग्रेज, ठीक है। British जो है हुकूमत करते थे। Our forefathers, forefathers हमारे दादा, उनके वालिद, फिर उनके वालिद, ठीक है, उनको कहते हैं ancestors को। Our forefathers achieved freedom, आज़ादी हासिल की है after great sacrifices, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देके। जो आपको underline words दिख रहे हैं, इसको आप underline करेंगे। Under the leadership of Qaid-e-Azam, the founder of Pakistan, ठीक है। Under the leadership of Qaid-e-Azam, the Muslims of India, मुसलमान जो थे इंडिया में, इंडिया जो कंट्री था पहले आज़ादी से पहले, वहाँ मुसलमान हिंदू मिक्स रहते थे ना, तो जो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया थे लिबरेटेड, आज़ाद हुए, अ पार्ट ऑफ लैंड, एक आज़ाद उन्होंने ज़मीन का टुकड़ा हासिल किया, नाउ कॉल्ड पाकिस्तान। तो वो जो पीस ऑफ लैंड क्या कहलाया गया? पाकिस्तान कहलाया गया। किसकी लीडरशिप में लिया था? कायद-ए-आज़म की लीडरशिप में, ठीक है। देयर आर सम पिक्चर्स लाइक सीज हैं, माउंटेन्स हैं, डिजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं एंड ये स्ट्रीट्स के पिक्चर्स हैं, ठीक है। ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ 14 अगस्त, ऑस्पिशियस मतलब फेवरेबल या कोई बहुत अच्छा मुबारक दिन, ठीक है। 14 अगस्त 1947 इज द डे इन विच मुस्लिम्स गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश और फ्रॉम हिंदूज, ठीक है। 14 अगस्त एवरी पाकिस्तानी सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे। 14 अगस्त को हर पाकिस्तानी, ईदर इज अ मुस्लिम और ए हिंदू और ए क्रिश्चियन, अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ पाकिस्तान इज नोन एज पाकिस्तानी अकॉर्डिंग टू द लीगल सिटीजनशिप ना, ठीक है, तो वो पाकिस्तानी कहलाया जाएगा। इंडिपेंडेंस हासिल की थी, एवरी वन लुक्स हैप्पी एंड मतलब 14 अगस्त को सब सेलिब्रेट करते हैं, एवरी वन लुक्स हैप्पी एंड डिलाइटेड, हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है। द पाकिस्तानी फ्लैग्स होस्टेड ऑन हाउसेज इन बिल्डिंग्स, झंडा लहराया जाता है। पीपल डेकोरेट दे हाउसेज इन स्ट्रीट्स विद कलरफुल फ्लैग्स, मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी कलरफुल फ्लैग्स जो हैं हम लगाते हैं गलियों में। पहले बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, अब ये फिर भी कम है, लेकिन अभी भी है। Early in the morning of 14 August, the national anthem is played and relayed from each broadcast. Radio में, television में national anthem play किए जाते हैं। Military parade is also conducted to salute the liberators and liberated, जो आज़ाद हुए हैं और जिन्होंने आज़ाद करवाया है उनको सल्यूट किया जाता है, सलामी दी जाती है। All the day long different activities go on, पूरा दिन मुख्तलिफ activities perform की जाती हैं। On roads are seen so many cars with families and or friends inside, ठीक है। Gardens and parks are full of visitors, in the public halls seminars, talk shows and quiz programs are conducted. It really looks that everybody in Pakistan is free. We are not
अंडर, वी आर नॉट अंडर अ फॉरेन डोमिनेशन एनी लॉन्गर, कि हम किसी के कोई हम पे रूल नहीं कर रहा है, किसी हम अपने मुल्क में बहुत आज़ादी से जी रहे हैं. टू मेक दिस कंट्री डेवलप एंड प्रोस्पेरस, अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए एवरी पाकिस्तानी हैज़ अ रोल टू प्ले, हमें अपना रोल प्ले करना है. ऐसा नहीं है कि हमें आज़ाद मुल्क मिल गया तो हम उसको कुछ भी करते हैं, हम कचरा हमें डस्टबिन में फेंकना है, हमने लाइट, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है. जिससे हम अपने घर को साफ रखते हैं, फिर हमने अपने मुल्क को भी साफ रखना है. द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे इज़ टू प्लेज, प्लेज मतलब वादा करना है, अहद करना है अपने आप से, टू आर सेल्फ दैट वी विल वर्क इंडस्ट्रियसली एंड ऑनेस्टली फॉर पाकिस्तान. दिन नहीं मनाना हमने 14 अगस्त को, बल्कि ये वादा करना है कि अपने मुल्क के लिए बहुत ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है. सिर्फ ये नहीं है कि 14 अगस्त को हमने सिर्फ एंथम गाने. मे अल्लाह ब्लेस आर कंट्री विद पीस एंड प्रोस्पेरिटी, आमीन. तो अभी 14 अगस्त आ रहे हैं, आपको इस बात ये प्लेज लेना है कि हम अपने मुल्क के लिए अपनी तरफ से बेस्ट पार्ट प्ले करेंगे और अपने मुल्क को एक डेवलप नेशन काउंट करेंगे, एक अच्छी नेशन के तौर पर ऑन द वर्ल्ड मैप अपने आप को शो करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर.